الحمد لوليِّه والصلاة على نبيِّه محمد وآله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيبي يا محبوب رب العالمين ويا خاتم النبيين معزز حاضرين بزرق علماء ومشايخ اور جميع علماء باكستان مركزي رہنما جناب कारी मोहम्मद जवार बहादुर साहिब ने जो इरशादात हमारे खुशगुजार किए मुनासब तो नहीं है कि मैं उनके बाद अपने नाकिस ख्याल का इजहार करूं सिर्फ खैबर पख्तनख्वा की तरफ से बतौर नुमाइंदा और अपने उताज महतरम मुर्शद व मुरबी जनाब पी शेख खुद तपसरी वह हदीस मुफ्ती निज़ामुद्दीन सरकानी साहिब का उनकी तरफ़ से डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ आसफ़ जलाली साहिब ने जिस मौके पर इसकामत के साथ अहली सुन्नत की तर्जमानी का हक अदा किया और कर रहे हैं ब उसकी की तइद के लिए हाज़र हुआ हूँ हम अहली सुन्नत वज़ हैं और मसल के हक अहली सुन्नत वज बरेलवी आला हज़रत के तलीमत पर शिद्दत के साथ मल करने के कायल हैं हिंदुस्तान और मुमलिकती खुदादात पाकिस्तान और अफग़ानिस्तान में गालिब अक्सरियत अहल सुन्नत व जमात बरेल हनफी के हैं और इसी मसलक पर इसी मजहब पर शुरू से हम आ रहे हैं यही हमारा अक़ीदा है क्या मत सिर्फ़ अनबिया के लिए गैर अनबिया सहाब कराम हो अजवाज मतहरात होती अतहार हों या अलिया हों वो महफूज हैं मासूम नहीं अगर ख़ुद न खवास्तः इस वक्त हम जलाली साहिब के मोकब के साथ इत्फाक न किया दिल से हिमायत नहीं किया तो फिर हम, हम अहली सुन्नत नहीं रहेंगे एक तरफ रापिजी टोला अहले बेत की मोहब्बत की आड़ में सुन्नियों को गुमराह करते हैं दूसरी जानब खारी जी टोला असाबी रसूल की आड़ में सुन्नियों को गुमराह कर रहे हैं हम नाफिजी ना हैं न ना हम खारी हैं हमारा अकीदा अहल सुन्नत व जमात हनफी है तो इसलिए हमें चाहिए रोजी अवल से जब अहल सुन्नत के माऊ मशाख जिनके साथ हमारे ताल्लुक भी रहा है जब ये इशू सामने आया कुछ अर्सा कुछ दिनों के लिए तो हमने खामोशी इख्तियार किया लेकिन जब राफिजी टोला पाकिस्तान के गालिब अक्सरियत को चैलेंज किया एक किस्म का कुल कर खलफाई राशिदीन का इनकार किया कुल कर हजूर नबी करीम मुस्तफ़ा आला व वसलाम की साहबजादियों का इनकार किया कुल कर उन्होंने अहले बैत को अनबिया की तरह मासूम कहा उनके बाद बहसी मुसलमान एक सुन्नी मुसलमान के बावजूद खामोश रहने का हक फिर हमको नहीं था न नह हमने बर्दाश्त किया पिलकुर कर अपना मौके बयान भी किया और उस मौके के लिए अपने उस लौह मुसलमानों को सुन्नी आवाम को भी खबरदार किया जो सुन्नी हमारे अहलबेद के मोहब्बत वाले इस रोपगंडे के जो शिकार हुए थे थेजुबिल्ला कि हजरत किबला जलाली साब अहल बेद के बेदब हैं हाशा वकल्ला सुन्नी कभी भी महबूब की गुस्ताख किराम के गुस्ताख गख अबे अधार के गुस्ताख अलिया के गुस्ताख हो नहीं सकता ये हमारा ईमान है तो हम भरपूर तरीके से हमने ताउन किया भी और ये एहसान न तहरीके लबे क्या रसुल्लाम पर उनके कारकुनों पर न इदारा शरात मुस्तकीम पर न हजरत किबला जलालीब पर करते बल्कि ये हमारा फर्ज है हम इस अकीदे के पेरोकार हैं, इस अकीदे पर रहेंगे इस के हिफाजत के लिए जब भी हमारी जरूरत आएगी इन शाह हम सभी अवल में मौजूद रहेंगे आखिर में एक तजवीज पेश करना चाहता हूं जिस तरह आज यहाँ लाहौर में मुख्तल आलाक़ों उलमा जमा हुए हैं इसी तरह तमाम सूबों में भी उलमा मुख्तलिमशाइ को जमा करने की ज़रूरतें इकट्ठा करने की ज़रूरतें ताकि अवामी अहल सुन्नत को हमारा मौक़ ये मालूम हो उन पर ये वाज हों व आखिर अनिलहमदिल्ल रबीआलमी